Friends, once again welcome to sir tarun rupani youtube channel and uh, this class is dedicated to our mega star i mean to say it is academic for class 12 okay uh, last time we uh, this chapter ko padhata, that was uh, you know third level and each and everything i hope will be very clear आज हम लोग जो चैप्टर को टच करने जा रहे हैं वी आर गोइंग टू क्रैक इट इज डीप वाटर, रिटेन बाय विलियम ओ डगलस ओके अच्छा विलियम डगलस वॉज यूज टू बी अ वेरी वेल नोन स्वीमर and a very well-known writer too. but uh, that is a that is really very unique thing. and uh, it is very prevalent in day-to-day -day life. Uh, you might have seen that uh, uh, there is a romance, there is a fighting, or you, you can say there is a romance between fear and courage. every time fear wins, but few times courage wins and in this story let's see how courage wins let's see how a person can overcome his psychological pressure let's see how a person can eliminate his fear it is very important for you this lesson is not only for the language but certainly this lesson is something else it teach it teaches you how to handle your fear how to face your fear and not only handle and face how to come out of this fear and above all, how to master to eliminate your fear? This is the main uh, message uh, we get from this chapter named Deep Water. Deep water means what? At the, um, as the title suggests, that deep water means something that is inside you, there is a stream, there is a stream of fear. Deep water means. कोई चीज़ें जो गहरे पूरी तरीके से गहरी तरीके से आप में बैठ गई हो एंड दैट इज़ अ फियर यहाँ पे विलियम डगलस इट इज़ एन आटोबायफिकल चैप्टर तो uh, विलियम डगलस ने उनके ख़ुद की लाइफ में किस तरह वो पानी से डरते थे और कैसे उस डर से वो बाहर निकले और सिर्फ बाहर ही नहीं निकले कैसे एक बहुत वो बहुत बड़े uh, तैराक बन गए यहाँ पे एक चीज़ सीखने के लिए और भी है कि आप देखोगे कि इस तरह की सिचुएशन में अगर आप खुद अगर आप अपने आप को पाओ तो कैसे निकलना है देर सो मेनी टिप्स एंड पंचेस एंड मैनी थिंग फॉर यू टू लर्न शेल वी स्टार्ट नाउ ओके डीप वाटर लेट्स गो डीप इन टू द फ़ियर द ओरिजिन ऑफ द फियर एंड लेट्स एलिमिनेट बिकॉज इन एक्चुअल देर इज नो फियर फियर इज़ इन योर माइंड बट देर देर इज नथिंग लाइक फर आउट ऑफ यू दैट इज दी ओकेम और ऐसी दुर्घटना के बारे में याद करते में घटित हुई थी इट हैड happened वेन ही वॉज टेन और इलेवन ईयर्स ओल्ड और ये घटना तब की जब वो दस और ग्यारह साल के थे लेकिन उससे पहले ही उनके मन में पानी का डर बैठ चुका था ओके okay? बट द मेन मिस एडवेंचर वो क्या था वेन uh, तो ही वॉज ओनली टेन एंड एलेवेन ईयर्स ओल्ड तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि वॉट वॉज द मिस एडवेंचर तो एक तो प पापा के साथ जाते हैं वो कैलिफोर्निया बीच पर और वो लहर उनके ऊपर से चली जाती तो एक डर वो बैठा हुआ था बट दैट इज़ नॉट दैट इज दैट डजेंट रिफर टू मिस एडवेंचर तो क्वेश्चन में अगर मिस एडवेंचर नाम की चीज़ आए ना तो वाई एम सी ए पुल वाली घटना को आपको लिखना है ओके इट हैड हैपेंड व्हेन ही वाज टेन और एलेवेन इयर्स ओल्ड ही हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम और ये घटना तब की जब वो अपने पानी के डर से वो ऊपर आना चाहते थे ही वॉन्टेड टू कम आउट ऑफ द फियर ऑफ वाटर एंड ही डिसाइडेड टू टेक अ कोर्स ऑफ स्विमिंग और वो वाई एम सी ए पुल ज्वाइन करते तब ये घटना घटी देर वॉज अ पूल एट दाई एम सी ए इन याकिमा विच वॉज सेफ अब ये पुल कैसा था ये सेफ था सेफ इन देंस कैसे हो सकता है कि शुरू में ये दो फीट एक एंड पे क्या है कि दो फीट सिर्फ गहरा था धीरे धीरे ग्रेजुअल डीप होते होते वो हो जो है नाइन फिट डीप डीप हो जाता है इट वॉज ओनली टू और थ्री फीट डीप एट द शो एंड एंड नाइन फिट डीप एट द अदर दट ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल ये जो ये जो ग्रेजुअल था ये जो ड्रॉप uh, था ये जो वो एक्चुअली ऑल ऑफ सडन ही द्रेजुअल द समथिंग लाइक दिस दैट इज अ ग्रेजुअल ओके ही गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू दूल ही हैटेड टू वॉक नेकेड इन टू वाटर एंड शो इज़ वेरी थिंक क्योंकि ये बहुत ही दुबले पतले थे तो हर बच्चों में एक होता ना कि वो अपनी जो एक यू uh, नो you know, no. दुबला पतलापन वो किसी को दिखाना नहीं चाहते थे तो इस वजह से वो कभी भी नेकेड या कपड़े उतार के बहुत ज़्यादा देर तक स्विमिंग पूल के आसपास नहीं रहते थे तो जिस तरह से एक ये साइकोलॉजी है कि बच्चों में कि मुझे आ, मैं बहुत ही पतला दुबला हूँ और लोग क्या सोचेंगे दैट इज़ आल्सो केस ऑफ साइकोलॉजी और इसी तरह की साइकोलॉजी दूसरी जो डेवलप हुई थी जो विलियम डगलस में वो क्या थी पानी के प्रति डर ही हैड अ ग्रेट एवर्शन टू वाटर ओके लेट सी दर है डेवलप्ड एन एवर्शन टू द वॉटर वेन ही वॉज फ्री ऑफ फोर्स और ये जो एवर्शन है ये जो डिसलाइक है ये जो डिसटेस्ट है ये एक तरह से पानी की प्रति जो घृणा हो गई थी वो कब हुई थी जब वो मात्र चार साल के थे ओके okay? तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पहली बार उनके में जो एवर्शन नाम का अगर कहीं पे भी जिक्र हो या क्वेश्चन पूछे कि व्हेन डिड ही डेवलप एन एवर्शन टू वाटर तो आप लिखेंगे थ्री और फोर इयर्स जब वो पापा के साथ आप इस घटना को लिखेंगे व्हेन हिज फादर हैड टेकन हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया अमरीका में एक सिटी का नाम है वहाँ पे बीच है और उस बीच पर जब ये तीन या चार साल के थे विलियम और डगलस तो इनके फादर उनको वहाँ लेकर गए थे द वेव्स नॉक्ड हिम डाउन एंड स्विफ्ट ओवर हिम और तभी एक बड़ी सी वेव्स आती है और उनको पापा के गोदी से ज़मीन में गिरा देती है और उनके ऊपर से होकर गुजर जाती है क्योंकि अभी तीन और चार साल वो डर जाते हैं उनकी यू नो ब्रेथ चौक कर जाती है ही वॉज बरीड अंडर वाटर हिज ब्रेथ वॉज गॉन और उनकी सांसें रुक जाती है तो दैट वॉज यू नो वेरी अनयूजल एक्सपीरियंस तो अनयूजअल एक्सपीरियंस जब भी होता है ना तो या तो बहुत ही अच्छा होगा इट इम्प्रिंट्स अ लॉन्ग टर्म इम्प्रेशन ऑन योर माइंड और अगर बुरा होगा तो उसी तरह का लॉन्ग टर्म इम्प्रेशन आपके माइंड में रहेगा ही वॉज़ फ्राइटेड वो डर जाते हैं हिज फादर लाफ बट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स फील्ड टेरर इन द यंग्स ऑथर्स हार्ट हालांकि उनके पिताजी को तो बहुत हंसी आती बिकॉज ही नो ईच एंड एवरी थिंग ही वॉज़ टोटली आउट ऑफ द यू नो द माइंड फ्रेम ऑफ किड्स वो बड़े हैं उनको मालूम है कि बच्चों को जो uh, जिससे कि विलियम डगलस को बहुत ज़्यादा डर लगे उनके लिए एक मात्र हंसने का साधन था कि बच्चा हमारा डर रहा है लेकिन वो डर उस बच्चे में बहुत ही अंदर तक बैठ गई लेट्स सी अगर ये डर बैठी तो इनके साथ होता क्या है क्या क्या प्रॉब्लम ये फेस करते हैं Unpleasant memories were revived when he went to the YMCA pool for the first time. Up, <coughs> पानी के प्रति उनको हमेशा से डरती, he had always uh, had an aversion to water. He always tried to avoid it, to go near the water. तो जब वो YMCA pool के पास गया, तो same वो जो California beach पे डर बन गई थी पानी के प्रति, the same फियर इमरजेस वगेन जब वो वाई एम सी पुल पर जाते हैं फर्स्ट टाइम चाइल्डिश फियर वेयर स्टर्ड और वो जो बचपने की जो डर थी उसको जैसे लगा फिर किसी ने जिंदा कर दिया बट सुन ही गैदर्ड कॉन्फिडेंस लेकिन उनके मन में था उन्होंने कॉन्फिडेंस भी कॉन्फिडेंस अपने आप को जगाया अपने विश्वास जगाया कि नहीं मुझे डरना नहीं है मुझे स्विमिंग सीखनी है या पानी से मुझे नहीं डरना है अब मैं बड़ा हो गया हूँ अब मेरी एज टेन और एलेवन ईयर्स ओल्ड हो गई है ही वॉच अदर बॉयज़ पैडलिंग ऑन वाटर विद देयर वाटर विंग्स और उस स्विमिंग पूल में क्योंकि ट्रेनिंग भी चल रहे बच्चे स्विमिंग भी सीख रहे हैं तो छोटे छोटे बच्चों को वो जो तैरने के लिए जो विंग्स होते हैं पैरों में जो लगाए जाते हैं वो उसको वो पैडलिंग कर रहे हैं यानी वो विंग्स पहनकर पानी पे वो पैर मार रहे हैं he tried to learn by imitating them. तो विलियम डगल्स का भी मन हुआ कि उनको देख कर उनकी कॉपी करके मैं भी स्विमिंग सीख जाऊँगा तो वो भी उसी तरह करते हैं He did this two or three times on different days. और वो इस तरह से हर दूसरे या तीसरे दिन उसी तरह से पैडल करते हैं जैसे वो बच्चे कर रहे थे ताकि उनको पानी पे थोड़ा भी जो है ना इस्टे करना आ जाए ही वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील कम्फर्टेबल इन वाटर वेन द मिस एडवेंचर हैपेन्ड अब क्योंकि बचपने का उनका जो एक डर था वो अब धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा था धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा था और कहीं पर ऐसा लगा विलियम और डगल को कि अभी यह ख़त्म ही होने वाली है बिकॉज द फियर फॉर द वॉटर इज अबाउट टू स्लैक एंड ग्रेजुअली लेकिन तभी एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई मिस एडवेंचर अब देखिए क्वेश्चन में जो आपसे बोर्ड में पूछता ना दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एट द इंटरवल ऑफ टू और थ्री ईयर्स देर इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस लेसन एंड इफ द क्वेश्चन इज वट इज़ द मिस एडवेंचर हैपेन टू विलियम और डगलस ठीक है तो विलियम और डगलस से जब मिस एडवेंचर के बारे में पूछा जाए तो ऑलवेज आप जो टेन और एलेवेन ईयर्स में जो स्विमिंग पूल में जो घटना हुई है आप सिर्फ उसके बारे में लिखेंगे नॉट अबाउट द कैलिफोर्निया बच्चे क्या करते हैं वो हीट एंड ट्रायल मैथड यूज़ करते वो भी लिख देते हैं और ये भी लिख देते हैं तो कभी कभी कहीं ना कहीं लैंग्वेज में ना लेकोनिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है इसी वजह से शायद जो है पैटर्न ने जो है वर्ड लिमिट रखा है कि आपको ये आंसर थर्टी टू फोर्टी वर्ड्स में ही देने हैं सो ट्राई टू बी लैकोनिक जितनी डिमांड है आप उतना करो और अगर आप ये सोचते हो कि थर्टी टू फोर्टी वर्ड्स में हमको लिखना है और आप जो है हंड्रेड वर्ड्स तक लिख दिए तो चांसेस क्या होगा कि आपके नंबर कटेंगे क्योंकि आपकी आपने कोई चीज़ अगर थर्टी और फोर्टी वर्ड्स के बीच में लिखी है तो चांसेस कम है कि आपके मिस्टेक कम निकले लेकिन जब हंड्रेड वर्ड्स होंगे तो चांसेस पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो ऐसे में बच्चे जो सोचते हैं कि लिखने से हमको नंबर मिल जाता है देर इज अ यू नो अर इज अ मिसकसेप्शन इन द स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंसिडर नो मैटर जस्ट राइट वट एवर यू हैव इन योर माइंड एंड यू विल गेट द मार्क्स बट दिस इज नॉट द सिचुएशन एज एन एग्जामिनर आई हैव टू टेक ईच एंड एवरी थिंग वेरी माइनूटली एंड देर आर सो मैनी लेवल्स

क्योंकि उसके मन में एक डर है ना तो वो ये सोच रहता है कि कुछ और बच्चे आ जाए कुछ ट्रेनर आ जाए कुछ एक्सपर्ट आ जाए तब मैं पानी में उतरूँ कि इन केस अगर मैं मान लीजिए डूबने भी लगा तो कोई ना कोई मुझे बचा ले सो दैट वाज द रीजन ही वाज सिटिंग बिसाइड द पूल ओके ही वाज वेटिंग सम एल्स शॉर्टली आफ्टर अ बिग बॉय अ बॉक्सर केम तभी एक बहुत ही लंबा लहीम सहीम एक लड़का आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रूजर यू नो ब्रूजर मीन्स काइंड ऑफ अ काइंड ऑफ गाय नो वेल बिल्ड तो ऐसे बच्चों को बोलते ब्रूजर ही वॉज प्रोबेबली एटीन इयर्स शोल्ड एंड हैड ब्यूटिफुल मसल ऑन हिज लेग्स एंड आर्म्स तो ही वॉज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ of youth he is a, a, perfect example of good built body okay he called the author skinny and asked how he would like to be plunge in water plunge means of you puchta hai tum pani ke bhitar kaise jana pasand karoge you know duck और शरारती बच्चा था अब वो भी जान रहा है कि बच्चा डरा हुआ है तो हर कोई जो डरता है उसको और लोग डराने की कोशिश करते हैं तो इट वाज अ फनी मोमेंट फॉर द ब्रूजर एटीन ईयर्स ओल्ड मैन लेकिन उस बच्चे विलियम डगलस के लिए क्या था उसके लिए ये प्रॉब्लम थी कि वो वाकई में एक साइकोलॉजी अंदर चल रही थी कि मुझे ढकेल देगा तो मैं डूब जाऊँगा एंड 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 द सेम थिंग द बॉक्सर बॉय पिक डगलस एंड थ्रू हिम इन टू डीप एंड सो ऑल ऑफ सडन ही पिकड विलियम डगलस एंड टॉस हिम इन टू द वॉटर और उठाते के साथ ही उसने पानी में डाल दिया एंड थ्री मिनट ही स्ट्रक वाटर इन अटिंग पोजिशन अब वो पानी में जब वो बैट सिटिंग पोजिशन में ही वो पानी से वो नीचे जाने लगा ही सॉलोड वाटर एंड इट वॉन्स वेंट टू द बॉटम और इस तरह से वो उसके मुँह में पानी भी भर गए पानी वो निकलने लगा घबराहट थी और उसी सिटिंग पोजिशन में वो बॉटम वो जो पुल के नीचे जाने लगा ही वॉज फ्राइटेन बट डिन नॉट लूज हिज विट्स हालांकि वो तो डर तो गया था लेकिन आप शुरू से आप देख रहे हो कि उसके में कहीं ना कहीं एक विट्स है एक एक करेज है एक बुद्धिमता है क्योंकि जब जब वो थ्री और फोर इयर्स का था तो भी मन में एक डर बैठ गया लेकिन उसकी जो इंटेलिजेंस है उसको बार बार कह रही कि तुमको पानी से डर लगता है तुमको तैरना सीखना चाहिए तो यहाँ पर भी ये था जब वो बच्चा जब वो विलियम डगलस जब नीचे जाने लगा तो डर तो गया था लेकिन उसने हिम्मत नहीं आ रही ही मेड अ प्लान अब क्योंकि उसका दिमाग अभी चल रहा है तो उसने एक प्लान बना लिया ही वुड मेक अ बिग जम्प वेन हीज फीट हिट द बॉटम और उसने सोचा कि जब भी मेरा पैर जो है बॉटम से टच कर करेगा मैं क्या करूँगा और वहाँ से एक ऊपर को जंप ले लूँगा और आराम से मैं तैर के बॉटम पे सरफेस uh, पे आ जाऊँगा फिर रॉड या कोई चीज़ पकड़ कर मैं किनारे आ जाऊँगा बट दैट वॉज नॉट द थिंग एक्चुअली दैट इज़ गोइंग टू हैपन He would come to the surface like a cork, lie flat on it, and then paddle to the edge of the pool. So, this this is this uh, this is the imagination ki may cork, upara jaunga paddle marunga, or kinare But the situation was totally different. Those nine feet appeared more than ninety feet. उनको क्या लग रहा है कि वो जो नौ फिट थे अब विलियम डगलस को लग रहा है अरे माई ये तो 90 फिट है मैं नीचे जा ही नहीं पा रहा हूँ ईच एंड एवरी थिंग वॉज वेरी स्लो बिफोर ही टच बॉटम हिज लंग्स वर रेडी टू बस्ट अभी वो जमीन पे उसके पैर टच कर, करे भी नहीं थे कि उसके जो फेफड़े थे लंग्स थे वो फट जाना चाह रहे थे क्योंकि पानी अंदर भर गया था ही मेड अ ग्रेट जम्प अपवर्ड्स और जैसे ही पर टच किया तो खैर उसने जो प्लान किया था अभी भी उसका माइंड काम कर रहा है तो इन अकॉर्डेंस विथ हिज प्लानिंग उसने क्या कि जंप करके वो ऊपर को आने लगा बट ही फेल टू रीच द सर्फेस एट वंस लेकिन जैसा उसने सोच रखा था कि बस मैं तुरंत जंप लूंगा और ऊपर सरफेस पे आ जाऊँगा बट दैट वॉज नॉट द सिचुएशन ईच एंड एवरी थिंग वॉज वेरी स्लो स्लोअर देन वॉट ही थिंग्स बाई फार ही केम ऑफ स्लोली His eyes and nose came out of water, but not his mouth. And when he came up, only his eyes nose came up, but his mouth did not up. Still, he was on the surface, but still he was not in a stable or comfortable position. He moved around his legs on the surface of water. He swallowed water and choked. और इस तरह से सरफेस पे आया उसने और पानी बहुत सारा पी लिया घबराकर अब वो उसकी सांस से रुकने लगी ही ट्राई टू ब्रिंग हिज लेग्स अप बट दे हैंग एज डेट वेट अब उसने सोचा कि लाओ मैं पैर चलाकर किनारे पहुँचूँ लेकिन क्या कि पैर पूरी तरीके से फ्रीज हो गया था पैरालाइज हो गया था ही अगेन वेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ द पुल अब वो दोबारा फिर से उस पुल के तली की तरफ जाने लगा बट दिस टाइम सिचुएशन इज बिट डिफरेंट अब पहले में उसकी जो विट्स थी ब्लड सर्कुलेशन या ऑक्सीजन दिमाग तक ना पहुंचने के कारण थोड़ा माइंड में भी एक यू नो बीम्यूज सिचुएशन थी सेकंड क्या था ब्लड सर्कुलेशन ना होने की वजह से सा सांसे चौक कर जाने की वजह से उसके पैर थोड़ा पैरालाइज हो गए थे सुन्न हो गए थे सेकंड टाइम ही वॉज श्रीकिंग अंडर वॉटर बिकॉज टेरर अब टेरर जो डर उसने उस डर ने उसको पूरी तरीके से पकड़ लिया क्योंकि नाउ उसको ऐसा लगा कि देर इज समथिंग दैट इज गोइंग आउट ऑफ माय ग्रिप आई एम समवन समवन एल्स ग्रिप इज ग्रिप ही वाज अंडर वाटर बट हिज हार्ट एंड द पॉन्डिंग इन हेड टोल्ड हिम दैट ही वाज स्टिल अलाइव अब क्योंकि घबरा गया था परेशान हो गया था और थोड़ा ब्लैकनेस भी आने लगी थी लेकिन अभी भी उसके मन में उसका उसको सिर्फ एक ही चीज़ सुनाई दे रही थी वो क्या थी उसको अपने दिल की धड़कन जो कि बहुत तेज तेज चल रही थी और उस धड़कन की वजह से उसके मन में एक विचार भी है कि अभी मैं ज़िंदा हूँ वेन he हिट द बॉटम ही जम्प विथ his फुल माइट ही जम्प मेड नो difference. और जैसे ही जब सेकेंड टाइम जब उसने जो है टच किया और वो जंप मार के जब वो ऊपर जाने लगा तो उसको ये लगा कि अब चलाएं लेकिन इस बार उसकी जंप ने बिल्कुल भी कोई भी डिफरेंस पैदा नहीं किया किसी भी तरह से वो ऊपर नहीं आ रहा था द वाटर वॉज स्टिल अराउंड हिम और पानी आसपास के स्टिल हो गए थे क्योंकि मूवमेंट नहीं हो पा रहे थे ये सेंटेंस ये शो कर रहा है कि अब जो मूवमेंट या एक्टिविटीज़ थी विलियम और डगलस की पानी में अब वो कम हो गई थी सो दैट वॉय द वाटर वॉज स्टिल अराउंड हिम ज आर्म्स एंड लेग्स वुडंट मूव अब उसके जो आर्म्स और लेग्स है वो भी जवाब दे चुके थे दे वेर नॉट दे डोंट हैव नी मोमेंट ही ट्रेम्बल विथ फियर एंड नाउ द फियर अब क्या हो गया दैट ग्रीव स्ट्रॉन्गर अब जो जो डर थी पहले थोड़ी थी अब वो और बढ़ गई ही ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प अब वो चिल्लाने लगा कि कोई मेरी मदद करे टू कॉल मदर वो माँ को बुलाने लगा बट नथिंग हैपन लेकिन उसकी उसकी वॉइस जो है ना उस पानी से बाहर जा ही नहीं पा रही थी देन ही अप हिज आइज़ एंड नोज वेयर ऑलमोस्ट आउट ऑफ वाटर तब वो सेकेंड टाइम्स ऊपर आता है अपने से और पानी होता नहीं कुछ हो कि कभी कभी पानी खुद सरफेस पे ले आता है तो ऐसा सेकेंड टाइम भी उसके साथ ही हो तो देन ही अप हिज आइज एंड नोज वेयर ऑलमोस्ट आउट ऑफ वाटर सिमिलर सिचुएशन जो फर्स्ट टाइम हुआ था सख्त फॉर एयर एंड गॉथ वॉटर और जब कभी भी उसको क्योंकि अब दम घुट रहे थे उसको तो सांस लेना चाह रहे थे और जैसे जैसे वो सांस ले रहे थे हवा को खींच रहे थे लेकिन अंदर क्या जा रहा था पानी ही स्टार्टेड गोइंग डाउन अ थर्ड टाइम नाउ दिस इज दर्ड टाइम अब यहां पर एक अब्लिवियन स्टेट आएगी देन ऑल एफर्ट्स एंडेड एंड ही रिलैक्स अब अनकॉन्शियस हो गया उसको खुद भी बहुत हवा नहीं रहा कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है तो सारे प्रयास अपने आप बंद हो गए और वो अपने आप को बहुत ही रिलैक्स महसूस करने लगा अब ब्लैकनेस स्वेप्ड ओवर हिज ब्रेन एंड वाइप आउट टेरर और इस तरह से उसके दिमाग में एक काला पन छा गया और डर भी ले देकर दूर हो गई क्योंकि अब आपके पास दिमाग सोचने के लिए आ, है ही नहीं तो आपको क्या डर ही नहीं है डर इज ए पार्ट ऑफ यू नो साइकोलॉजी and psychology is directly related to your, uh, your brain. He felt drowsy and wanted to sleep. अब उसको नींद आ रही थी और वो सोना चाह रहा था. He gave up all attempts. अब उतने ये क्या कि अब मैं किसी तरह का प्रयास नहीं करूँगा. He forget everything when he came to his senses. He found himself lying on his stomach beside the pool vomiting. और इस तरह से वो पूरी तरीके से बेहोश हो गया था. लेकिन जब उसको होश आता है तो अपने आप को देखता है कि वो उसी पुल के वाई पुल के किनारे और वही सारे लोग वही ब्रूज़र भी पास में है वो क्या करता है पेट के बल लेट कर वो सिर्फ उल्टी कर रहा है क्योंकि लोग उसको एक कंडीशन होती है कि बच्चे कोई अगर डूब जाता है तो उसके पेट से पानी निकालने के लिए जो एक्सरसाइज करानी पड़ती है वो विलियम डगलस से कराई जा रही है द बॉय वू हैड थ्रॉन हिम इन सेट और वो लड़का जिसने विलियम डगलस को तालाब में या फूल में फेंका था वो क्या कर आई वॉज ओनली फुलिंग मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था सम वन सेट देट द किड हैड नियरली डाइड दैन दे टुक हिम टू द लॉकर रूम और तुम कह रहे हो कि तुम मजाक कर रहे थे ये तो लगभग मर ही गया था ही वर्क होम आफ्टर सेवरल आवर्स कुछ घंटे के बाद लॉकर रूम से निकल कर वो अपने घर जाता है ही वॉज वीक एंड ट्रेमलिंग अभी भी बहुत तो अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है बहुत ही लड़खड़ा रहा है ही ही शुक एंड ले ऑन हिज बेड और जब वो बेड पे लेते था तभी वो उसको कपकपी लगती है और वो चिल्लाता है ही कूडंट ईट दैट नाइट उस रात उसने कोई खाना भी वो नहीं खा सका फोर डेज आ हंटिंग फियर वॉज इन इज हार्ड और कई अगले कई दिनों तक वो जो एक डर थी उसके मन में पूरी तरीके से बैठी हुई थी

सी में रिवर्स में बोटिंग करनी हो यॉटिंग करनी हो तो हमेशा एवॉइड करता था वो नहीं चाहता था कि उसको फिर से वही फियर आया इतना वो डरा हुआ था कि वो पानी से हमेशा जहाँ जहाँ पानी होता था और वो अवॉइड करता था जिससे बहुत सारी उसकी लाइफ में खुद प्रॉब्लम बहुत सारी स्ट्रगल हो गई वो कहीं दूर नहीं जा सकता था नदी और समुद्र के किनारे नहीं जा सकता था फ्यू ईयर्स लेटर ही केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैट्स he wanted to get into them, whenever he did so, डिट terror had seized him in the pool return. और एक झरने का यहाँ पर नाम दिया गया है waterfall का वो वहाँ जाना चाहता था अपने टाइम को स्पेंड करना चाहता था इंजॉय करना चाहता था लेकिन जब कभी भी वो पिकनिक या टाइम को इन्जॉय करना चाहता था और वो इस्पॉट अगर समुद्र या नदी या झरने के आसपास होता था तो वो हमेशा डर जाता था और वो वहाँ नहीं जाता था सो ही वॉज He was totally in a very uh, negative uh, psychology. This handicap remained with him even as time passed. और ye इस तरह की एक जो अपता थी पानी के प्रति uh, जो डर था जिसके कारण वो अपने आप को असहाय या अपंग महसूस करता था ये कई सालों तक रही वेन एवर ही वेन द हॉन्टिंग फियर ऑफ वॉटर फॉलोडिम इट रू इन हीज फिशिंग ट्रिप्स और इस तरह से इस डर ने उसकी पूरी फिशिंग ट्रिप्स को ख़राब कर दिया इट इट डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग बोटिंग एंड स्विमिंग और इस तरह से ये जो डर ने ना पूरी तरीके से वंचित कर रखा था बोटिंग करने के लिए कैनोइंग करने के लिए एंड स्विमिंग करने के लिए सो यू कैन दैट ही वॉज टोटली सिर्फ उसको ज़मीन पे ही रहना था तो ये सिचुएशन तो बहुत ही उसको बुरी लगती थी और वो खुद सोचता सोचता था कि साइकोलॉजी इस डर से कैसे निकला जाए ही यूज एवरी मैथड ही नीड टू ओवरकम हिज फियर उसने वो सारे हथकंडे अपनाए जो वो जानता था और वो हथकंडे उसको डर से बाहर निकाल निकाल सके वो सारे हथकंडे उसने इस्तेमाल किए फाइनली ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम फिर आखिरकार उसके मन में ये आती कि क्यों ना हम एक इंस्ट्रक्टर हायर कर ले ताकि हम स्विमिंग सीख ले ही वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस फाइव डेज अ वीक एन आवर ईच डे और इस तरह से हर हफ्ते 5 दिनों से स्विमिंग पूल में जाना पड़ता था और रोज एक घंटा द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड हिम और इंस्ट्रक्टर क्या करता था उसके कमर में एक बेल्ट बांध देता था ताकि एक वो अगर डूबे तो रस्सी से उसको खींचा जा सके अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली और वो जो वो जो डोरी थी वो हमेशा एक पुल से जाके ऐसे लटकती थी घिरनी से ठीक है ऑन ईच ट्रिप ए अ बिट ऑफ पैनिक सीज डिम और जब कभी भी वो पुल में वाई एमसी पुल में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता था तभी वो डर उसको बीच में ही पकड़ लेती थी ईच टाइम द इंस्ट्रक्चर रिलैक्स इज होल्ड ऑन द रोप एंड द ऑथर वेंट अंडर वाटर और हर बार क्योंकि इंस्ट्रक्टर था ट्रेनर था उसने समझ रखा था तो वो हमेशा क्या करता था डोरी दो, को थोड़ा ढील देता था ताकि ये पानी के अंदर जाए तो क्योंकि पानी के अंदर जब भी ये गए तो इसके में एक अलग सी डर है एक अलग सी साइकोलॉजी काम करने लगती तो वो चाहता था कि जहाँ पर इसकी इस डर की जो जड़ है ना उससे ही ख़त्म कर तो इंस्ट्रक्टर क्या करता था हमेशा डोरी को वो थोड़ा लूज़ कर देता था ढील देता था ताकि वो पानी उसका मुँह थोड़ा पानी में चला जाए इट वॉज थ्री मंथ बिफोर टेंशन बिगेन टू स्लाइक अब पुल में इंस्ट्रक्टर से ट्रेनर से सीखते हुए से तीन महीने हो गए थे अब धीरे धीरे उसकी जो डर थी स्लाइक करने लगी थी कम होने लगी थी देन द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एग्जेल अब तीन महीने बाद वो जब तो अपने आपको थोड़ा रिलैक्स महसूस किया तो इंस्ट्रक्टर क्या करता है उससे ये बोलता है कि सांसे कैसे लेनी है कि जब आप मुंह को ऊपर करो तो तो इनहेल करो और जब आप मुंह पानी के अंदर लेके जाओ तो एक्जेल करो दिस इज द टेक्निक ही रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड ऑफ टाइम वेरी स्लोली ही शेड सम ऑफ ओल्ड पैनिक एज इज हेड वेंट अंडर वाटर और इस तरह से धीरे धीरे पहले जब जैसे ही उसका चेहरा पानी के अंदर जाता था तो नीचे तली दिखने लगती थी फिर से आ जाता था लेकिन अब उस पर भी उसने कंट्रोल पाना शुरू कर दिया है He did. Then the instructor held him at the side of the pool and had him kick with his legs. Up, instructor उसको पैर चलाना सिखाता है ताकि वो पानी पे ठहर सके He did so for weeks. Gradually, his legs relaxed. अब इस तरह से उसके पैर भी धीरे धीरे जो है पैर मारते मारते थोड़ा आप जो पहले में जो भय आ जाता था और उस फियर के कारण उसका हाथ पैर काम नहीं करना पड़ता था अब वो थोड़ा कम हुआ है वेन ही हैड परफेक्टेड इच पीस ही पुट देम टुगेदर इंटू इंटीग्रेटेड वोल और इस तरह से हाथ कैसे चलाना है पैर कैसे चलाना है सारी चीज़ सिखाने के बाद वो सारी चीज़ को कम्बाइन कर देता है ही पुट देम टुगेदर इंटू एन इंटीग्रेटेड वोल ही हैड स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इन अक्टूबर एंड इन अप्रैल द ट्रेनर टोल्ड हिम दैट ही कुड स्विम और इस तरह से उसने प्रैक्टिस इस्टार्ट किया था अक्टूबर में और अप्रैल में जो है स्विमर बोलता है कि अब तुम्हारा काम खत्म हो गया आपने तैरना सीख लिया आप कहीं भी चाहो तैर सकते हो लेकिन फिर भी अभी उसके मन में एक भय थी क्योंकि अभी तक उसने जितनी भी प्रैक्टिस या जो कुछ भी किया उसको एक मन में एक सपोर्ट मिलता था कि नहीं मेरा ट्रेनर है ही asked द ऑथर टू डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पुल ही बिगैन विथ क्रॉल स्ट्रोल और इंस्ट्रक्टर ने कहा कि ठीक है अब आप एक सिरे से पुल के दूसरे सिरे पे जाओ और उसने क्रॉल स्टाइल जो होती है रेंगते हुए ये स्विमिंग की एक स्टाइल है बैक स्ट्रोक बटरफ्लाई क्रॉल स्ट्रोक से करते हुए दूसरे सिरे पे जाता है वेन यू स्वेम अलॉन इन दूल चीनी रेम ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न और जब कभी भी वो अभी भी तीन महीने के बाद भी इंस्ट्रक्टर के एबसेंट में एबसेंस में जब कभी भी वो स्विमिंग करता था तो वो छोटे छोटे जो डर के जो यू नो फैसेज थे उसके मन में आ जाते थे बट नाउ ही कुड हिज रिबूक टेरर दिस वेंट ऑन टिल जुलाई लेकिन फिर भी वो क्या करता था बोलता था कि अच्छा ठीक है तुम्हें डर और मेरा सामना करो सो so, इस तरह से वो अपने आप को कॉन्फिडेंस uh, में लाता था ही वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड सो ही वेंट टू लेक वेंट मॉर्थ इन न्यू हेम्पशायर अब हेम्पशायर एक जगह है वहाँ पे एक लेक है एक झील है वो वेंट वॉर्थ है तो विलियम डगलस विलियम और डगलस ये इस हैं कि देखिए कि हम झील में भी तैर सकते हैं क्या अभी भी हमारे में तो वो हेम्पशायर में एक वेंट वॉर्थ एक झील है वहाँ पे वो डाइव लगाता है देयर ही डाइव ऑफ अ डॉक एट ट्रिक्स आईलैंड और वहां पे एक ट्रिक से वहां से वो डाइप मारता है पानी में ही miles टू माइल्स lake क्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड से स्टैम्प एक्ट आईलैंड की तरफ जाता है जिसकी बीच की दूरी दो माइल्स है क्रॉल ब्रेस स्ट्रोक साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक सो सारे स्ट्रोक अब यानी कि लर्न सो मैनी टेक्निक ऑफ स्विमिंग उसने सारी चीज यूज किया और ये दो आइलैंड्स के बीच की जो दूरी थी टू माइल्स उसने कवर किया द टेरर रिटर्न ओनली बार फिर से वो पुरानी आ, डर की यादें सामने आ गई वेन ही वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक ही पुट हिज फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर और जब उसका उसने सर नीचे किया तो फिर से उसे वो, वो जो मिस एडवेंचर हुआ था वाई एम सी पुल में और उस पुल की तली दिखने लगी थी सिमिलरली द सेम सिचुएशन इज गोइंग वेन यू स्वैम अलॉन दुल रिमैंड ऑफ द ऑल्ड टेरर वुड रिटर्न ओके डाउट स्टिल रिमेन सो ही वेंट अप द टाइट टू कॉनार्ड Meadows, अप द Conard टेल्स टू मेट ग्लेशियर ही camped इन द हाई meadows. बाय द साइड ऑफ वॉम लेक और इस तरह से उसने जितने भी कंट्री साइड थे मीडोज uh, थे जितने भी और टाइटन्स ये थे कॉनार्ड्स मीडोज और ग्लेशियर थे जो कि बहुत ही पिकनिक इस्पॉट हुआ करते थे उन सारी जगह पर जाकर उसने अपने को डर अपने जो डर है उसको ख़त्म करने के लिए इन सारी ख़तरनाक जगहों पे भी उसने स्विमिंग की नेक्स्ट मॉर्निंग ही डाइव इन द लेक एंड स्वैम एक टू द अदर शोर एंड बैक ही शाउटेड विथ जॉय एट गिलबर्ट पीक रिटर्न द ई को और तब उसे लगा कि आज हमने जो है अपने डर पर पूरी तरीके से काबू कर लिया है नाउ आई हैव फुली कंट्रोल ओवर माई फीयर आई टूडे आई वी कैन से दैट विलियम और डगलस इज फियरलेस ओके ही हैड कंकर्ड हिज फीयर फीयर ऑफ वाटर और वो चिल्लाता है कि आज मैंने अपने uh, पानी के प्रति जो डर थी उससे मैंने काबू पा लिया है द एक्सपीरियंस हैज ए डीपर मीनिंग ऑफ फॉर हिम ओनली दोज वू है स्टार्क टेरर एंड कॉन्क्रट कैन अप्रिशिएटिट और वो लोग जिनको इस तरह की डर पकड़े हुए हैं और उन्होंने उस डर पर काबू पाया है सिर्फ वही लोग इस हमारी विजय को समझ सकते हैं क्योंकि वो लोग जो इस चीज़ को जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया हो उनको डाइजेस्ट करना मुश्किल है कि वो खुशी क्या चीज़ होती है देर इज़ टेरर ओनली इन द फेयर ऑफ डेथ और रूजवेल्ट ने जो कहा था वो इस उनके स्टेटमेंट को यहां पे विलियम और डगलस रिपीट करते कि मृत्यु अगर कहीं है तो मृत्यु के नाम से डर है ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इट सेल्फ और वाकई में कोई चीज अगर डर है तो वो एक लफ्ज होता है डर वही सिर्फ डर है डगलस हैड एक्सपीरियंस द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस और डगलस ने क्या किया कि वो अनुभव उसने किया कि डर क्या चीज़ होती है मरने का मृत्यु क्या चीज़ होती है और उस मृत्यु के प्रति जो डर है दोनों में भेद किया था तो विलियम डगलस ने कहा था कि मृत्यु के नाम से डर है लेकिन मृत्यु बहुत ही शांति प्रिय है द विल टू लिव सम हाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी एट लास्ट डगलस फेल्ड लिबरेटेड और आखिरकार उसका अपना जो एफर्ट था उसका अपना एक जो डिटर्मिनेशन था रिजोल्यूटनेस थी कि नहीं मुझे अपने अंदर अगर कोई डर है तो उसको दूर करना है ठीक है एंड इट इज़ अ ग्रेट लेसन फॉर एवरी कि अगर इनकेस इफ यू हैव एनी शॉर्ट कमिंग्स ट्राई टू एलिमिनेट दोस ही वॉज फ्री टू वॉक ट्रेल्स एंड क्लाइंब पिक एंड टू इग्नोर फियर और इस तरह से वो अपने जीवन को पूरी तरीके से इंजॉय करने लगा अब उसको Ocean or river or lake or pahalo uh, he doesn't have any fear. Okay. That's it. So in case you want any study materials, question answer, uh, there is a link in description box you can take from there.